ओम शांति। आसंतु सुनिबा जीवन को दैवी गुणयुक्त करिबा पई परम शिक्षक परमात्मांकर केते गोटी अमूल्य महावाक्य। भगवान वाच, हे मीठा संतानगण, तुमको अति साधारण भाव रहिबा को हेबो। आकर्षणीय मूल्यवान ड्रेस बा अलंकार पिंधिबा द्वारा मध्य देह अभिमान आसी थाए। निजकु सुधारिबा पाई चार्ट रख, यहा द्वारा बहुत फायदा होई थाए। चेक कर मु केते समय बाबा को मनि पकेली, मोर रजिस्टर ठीक अछि कि नाही, चरित्र दैवी गुणयुक्त हेछि त, कर्म करिबा समय रे बाबा को स्मृति रहुछि त, एही कथा को चेक करिबा पाई पाखरे बाबांकर ज्ञानयुक्त पॉइंट बा नोट्स को सर्वदा पाखरे रखिबा दरकार। निरंतर जोगरे रहिले आत्मारु विकार रूपक कलंक छाड़िबो, भाग्य उच्च हेजिबो। भगवान कहुछन्ति, पिला माने तुममानंक घरे ए लक्ष्मी नारायणंकर चित्र निश्चिंत रहिबा दरकार। एहाकु देखि बहुत खुशी हबो, कारण एहा ही तुम पाठ पढ़ार लक्ष्य। तुम्हें जानुछ जे लक्ष्मी नारायण को भली हेबा पाई आमको स्वयं परमात्मा ईश्वर पढ़ाउछंती, आमे ईश्वरीय छात्र अटु। भगवान को भोलानाथ बोली कुहा जाए, केहि केहि पुणि शंकर को भोलानाथ बोली भावी थांती, पुणि शिव एवं शंकर को एक करि दे थांती। वास्तवरे परमात्मा शिव तो हेउछंती सर्वोच्च, से निराकार कल्याणकारी रचयिता, किंतु शंकर तो विनाशकारी शरीरधारी रचना। शिव हेउछंती भगवान, शंकर हेउछंती देवता। शिव शंकर को रचना करुछंती, अर्थात शिवंकर शंकर हेउछंती पुत्र। एही कथा को भल भाव बुझिबा दरकार। परमात्मा कहुछन्ति वर्तमान कली युगर अंतिम समय, लड़ई आदि निश्चिंत हेबो। आणविक बोमा आदि केते तयारी करुछन्ति, केते भी कुह बंद करिबा पई परंतु बंद करिवे नाही, कारण एहा ड्रामा रे निर्धार्य हे रहिछि। एहा हेउछि विज्ञानर अहंकार, एहा द्वारा विनाश ही होइथाय, पुणि शांतिर विजय होइथाय, अर्थात सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया रो स्थापना होइथाय। सेथिपई वर्तमान तुमे माने शांतिरे रहिबार अभ्यास करुछ। बाबा कहुछन्ति तुमको एबे संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। पवित्र होई ए पतित शरीर को छाड़िबाकु तुमे जेपरि अभ्यास करुछ, एपरि कोन केही करि पारिबे ना। पवित्र नहेले निश्चिंत दंड भोगिबाकु पड़िबो। शेषरे सबु किछि साक्षात्कार हेबो, तुमे एई पाप करिथिबारु एई दंड भोग करुछ। सेथिपई कुहा जाय साधु सावधान। ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि रे सर्वदा लक्ष्य एवं उद्देश्य को मने रखिबाकु पड़िबो। समस्तंकु बाबांकर परिचय निश्चय प्रदान कर, सेथिपई भिन्न भिन्न प्रकारर बैच जहा बाबांक प्रदत्त बाबांक स्मृति रे तयारी करा जायछि ताकु सर्वदा पाखरे रख। एहा द्वारा ज्ञान बुझाइबा सहज हो जाए। सुदामांक सदृश निजर मूल्यहीन मुठाक चाउल, अर्थात एही विनाशी धन एवं शरीर को ईश्वरीय सेवारे लगाओ। सत्ययुगी बहुमूल्यवान महल प्राप्त हेबा सहज हेजिबो। ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करि अविनाशी ज्ञान रत्नर व्यापारी हेबाकु पड़िबो। भगवान वाच, अशरीरी पणियार इंजेक्शन द्वारा मन को नियंत्रण करी एकाग्रचित हो, जेपरी आजिकाली
କେହି ଯଦି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସୁନାହିଁ ବା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତୁମ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଉଛୁଳିବ ନାହିଁ, ସହଜରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ମେହନତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ସର୍ବଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନରେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେହି ପରମପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓଁ ଶାନ୍ତି।